सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रहा है, जिसके चलते काशीपुर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बता दें कि कोरोना वायरस पूरे देश भर में महामारी का रूप ले चुका है, जिस पर रोक लगाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार कार्य कर रहे हैं। तो वहीं काशीपुर स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना वायरस की समस्या को और आने वाले मरीजों को लेकर तैयारियां करत हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आज काशीपुर सरकारी अस्पताल में SDM और स्वास्थ्य विभाग के ACMO के नेतृत्व में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों को किस तरह उपचार दिया जाएगा और मरीजों को कहां भर्ती किया जाएगा, उस पर विशेष ध्यान दिया गया। जिसके उपरांत ACMO अविनाश खन्ना ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के उपचार के दौरान सतर्कता बरतने के बारे में जानकारी दी। अविनाश खन्ना ने बताया कि मॉक ड्रिल का मकसद था कि कर्मचारियों को जानकारी रहे कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को किस रास्ते से लाना है और कहां पर भर्ती करना है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाइट अविनाश खन्ना, ACMO उधम सिंह नगर। देखिए, मॉक ड्रिल करने का एक ही पर्पस था कि सभी स्टाफ को पता रहे कि हम लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं। ड्राइवर्स को रूट प्लान पता रहे कि हमें इमरजेंसी में लेकर नहीं जाना है, केवल आइसोलेशन वार्ड की जो एंट्री है जो हमने नहीं बनाई है वहीं पर ही लेके आना है, और उसमें हम लोग पूरी तरीके से खड़े भी उतरे हैं। प्लस किस तरीके से पेशेंट की एंट्री करनी है, पेशेंट के क्या प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने हैं, जो SOPs हैं क्या वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसमें एक प्रैक्टिस के तौर पर हम लोगों ने किया है। और उसमें जो टिडबिट्स थोड़ी बहुत कमियां होती हैं वो निकल के आती हैं, तो उसको पूरा किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो हमने स्टाफ को जो ट्रेन किया था जिस तरीके से, तो उसको हमने देखा कि वो लोग उस गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और रूटीन वे पे हम लोग इसको करते रहेंगे जब तक कि ये हम लोग इसीलिए फुली प्रिपेयर्ड ना हो।